संदेश खाली में इंसाफ दिलाने की वो दस्तक जिसके बाद एक्शन की शुरुआत हुई है। 16 फरवरी को हमने संदेश खाली के दर्द को देश के सामने रखा, उसी के बाद संदेश खाली में कई कार्रवाई हुई, लेकिन अभी यह शुरुआत है। अभी शाहजहां शेख का गिरफ्तार होना बाकी है और बाकी है पूरा इंसाफ भी। पश्चिम बंगाल के जिस संदेश खाली में 13 वर्षों से दमन और शोषण सहती महिलाओं के लिए इंसाफ की दस्तक देने 16 फरवरी को श्वेता सिंह संदेश खाली पहुंचती हैं। अपनर के तृणमूल समाज कब्जा कर लिया, चेहरा दिखाने से डर लगता है कि आपको फिर आप पर और अत्याचार। देर रात में पार्टी ऑफिस में आने के लिए ममता दीदी ये सब सुनेंगी तो वो आप लोग के साथ खड़ी। अब कैसे आप लोग को लग रहा है कि इंसाफ मिले? ये सवाल आज तक ने संदेश खाली ही जाकर इसलिए उठाया, महिलाओं के साथ शोषण के अंतहीन दिखते संवेदनशील मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार सिर्फ सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने जैसी कार्रवाई करती दिखती आई। एक घटना घटे ঘটনা হয়েছে, প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে, আর কিছু মিডিয়া ঢুকেছে, ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে। আমি পুলিশকে বলেছি সুমোটো কেস করো। মমতা কহতি হ্যায় কি সন্দেশ খালি মে किसी महिला ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। मुख्यमंत्री कहती हैं कि विपक्ष और मीडिया ने मिलकर राय का पहाड़ बनाया। राज्य की महिला मुख्यमंत्री कहती हैं कि उन्होंने पुलिस को केस दर्ज करने के लिए कहा। हकीकत यह है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पीड़ितों को ही डराती रही। রাজ্যপাল আসবে, তোরা চুপচাপ বাড়ি থেকে থাকবি, বেরোলেই তোদেরকে পরে দেখে নেব। আরোপ ইয়ে কি পশ্চিম বঙ্গাল কে সন্দেশ খালি মে 2011 সে শাহজাহান শেখ, শিবু হাজরা আর উসকে গুন্ডে মহিলাওঁ কে সাথ ঘিনাওনা অত্যাচার করতে রহে, পুলিশ কান মে তেল ডালে বৈঠি রহি। পুলিশ তো চলে ওই গুন্ডাদের জন্য, ওই শাহজাহান শিবুর পথে তো পুলিশ চলে। লেকিন আব আজ তক কি দস্তক কে বাদ সন্দেশ খালি মে ইনসাফ কি দস্তক শুরু হুই হ্যায়। आज तक की दस्तक के बाद संदेश खाली को न्याय दिलाने की लड़ाई तेज हुई है। श्वेता सिंह ने 16 फरवरी को देश में न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई संदेश खाली की महिलाओं के बीच पहुंचकर ये दिखाया कैसे पीड़ित महिलाएं बताती हैं तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में बुलाकर शोषण होता रहा। वो मुझे बुलाते थे और पार्टी ऑफिस में मीटिंग करते थे, हमें बैठने को कहते थे और कहते थे कि हम अभी घर नहीं जा सकते, यही खाना बनाओ और खाओ। ये सब करने के बाद भी हमें कहते थे कि यहाँ से जा नहीं सकते। मैं कहती थी कि घर पर खाना बनाना है, बच्चे हैं, घर पर कोई भी आ सकता है, पति के लिए खाना बनाना है, लेकिन वो कहते थे कि हमें समझना नहीं है। हम लोगों के लिए सेक्सी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बोलते थे कि हमारा मनोरंजन करना होगा, और नहीं करने पर बोलते थे कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। देर रात में पार्टी ऑफिस में आने के लिए बोलता था। हाँ, पार्टी ऑफिस नहीं जाते थे तो बाइक पर ले जाने के लिए लोगों को भेज देते थे। बचने के लिए फिर क्या करते थे, कैसे क्या करते? मनोरंजन करना पड़ता था तब घर वापस आते थे। जिस संदेश खाली में पुलिस सिर्फ मामला रफा दफा करने में अब तक जुटी रही, वहाँ आज तक की दस्तक के बाद पुलिस को गैंगरेप की धारा केस में जोड़नी पड़ी है। लोग का आदमी रेप किया, ये तो हमारा बात नहीं है, आपका पुलिस तो गैंगरेप का केस किया, गैंगरेप का इफेक्ट किया आपका पुलिस दबाव में आकर, अरेस्ट किया अपना पार्टी का जिला परिषद मेंबर और ब्लॉक प्रेसिडेंट में। श्वेता सिंह के संदेश खाली में दस्तक देने के बाद अब यह असर भी दिखने लगा। जहां पहले महिलाएं थाने तक आने से पुलिस के डर से बचती रही, वहां महिला आयोग पहुंचा है और महिलाएं थाने तक शिकायत दर्ज करने आ रही हैं। आज तक ने यह सच देश के सामने शुक्रवार को हिला दिया कि इन महिलाओं को पुलिस के पास जाने से कितना डर लगता है। अब आप पहले बोलती थी, आपकी बात कोई नहीं सुनता। हाँ, हम लोग बोलते थे लेकिन कोई सुनता नहीं था। यहाँ पर हम क्या क्या बोले? पुलिस कभी हमारी मदद नहीं करती, पुलिस कभी हमारे साथ नहीं रहती।
संदेश खाली तक 16 फरवरी को जिस बोट पर बैठकर आज तक की टीम पहुंचती है उसी तरीके से नाव से अब राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा अपनी टीम के साथ पहुंची हैं। और देखिए इन महिलाओं को जो अब भी संदेश खाली में शाहजहां शेख और टीएमसी के दबाव में आरोपों के मुताबिक पुलिस के रहने से अपना चेहरा तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आज तक की दस्तक के बाद फिलहाल महिला आयोग के संरक्षण में थाने तक शिकायत दर्ज करने पहुंच गई हैं। इस वक्त मेरा मौजूदगी है संदेशखाली पुलिस स्टेशन के बाहर और यहाँ हम देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ है, क्योंकि यहाँ संदेशखाली के जो गांव वाले हैं सभी एक एक करके आज संदेशखाली थाना में जा रही है। अपना जो आरोप है जो कंप्लेंट है अभी दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि आज नेशनल वुमेन कमीशन आज पूरा गांव घूम चुके हैं और जो कमीशन की जो चेयरमैन है रेखा शर्मा वो सभी के पास जाके ये उन लोगों को एश्योर की है कि ये सब लोग को बोला गया है आने के लिए थाना में। संदेशखाली थाना में आने के बाद सबका अपना अपना जो कंप्लेंट्स है वो दर्ज करने के लिए कहा गया है कमीशन की तरफ से। सबका अपना अपना कंप्लेंट्स है, किसी का लैंड ग्रैबिंग का कंप्लेंट्स है, अपना जमीन छीन लिया गया है, किसी का कंप्लेंट है सेक्सुअल असल्ट का। मेरे पास अभी आज मैंने 18 के करीब मेरे पास कॉपीज हैं आज कंप्लेंट्स की, दो रेप की कॉपीज है, बाकी मोलेस्टेशन विच इज वेरी सीवियर मोलेस्टेशन, दे आर सेइंग मेरे हमारे कपड़े उतार दिए गए, यहाँ टच किया वहां टच किया। दस्तक देकर आज भी हम ये कहते हैं कि अभी संदेश खाली में जो कुछ न्याय दिलाने के लिए हो रहा है वो शुरुआत भर है, अभी इंसाफ का सफर बहुत लंबा है, पथरीला है, घुमावदार है, लेकिन आज तक की दस्तक रुकेगी नहीं। और इस बात को इतने भरोसे के साथ आज हम अपने दर्शकों से इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि आज तक नहीं दस्तक दी तो महिलाओं के शोषण का एक आरोपी शिबू हाजरा पकड़ा गया। संदेश खाली में आज तक की दस्तक का तीसरा असर शाहजहां शेख के करीबी शोषण के आरोपी शिबू हाजरा का सच देश के सामने रखा, तो अब जाकर बंगाल की पुलिस ने शिबू हाजरा की गिरफ्तारी की। 16 फरवरी को जब श्वेता सिंह संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से बात करती हैं, तो एक नाम सामने आता है शिबू हाजरा का। टीएमसी नेता शाहजहां शेख का राइट हैंड शिबू, जमीन कब्जाने का सबसे बड़ा आरोपी शिबू हाजरा, संदेश खाली में लूट तंत्र बनाने का आरोपी शिबू हाजरा। गांव वालों के मन में बहुत ज्यादा डर है, इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी लोग उन पर हो रहे अत्याचार की बातें करते हैं वो अपने चेहरे को ढके जरूर रहते हैं, लेकिन ये भी समझिए कि जो ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई तो उससे हिम्मत आई। ये उन्हीं आरोपियों में से एक शिबू हाजरा का पोल्ट्री फार्म है जहां पर आप ये पूरे तोड़फोड़ के निशान देख रहे हैं। अब तोड़फोड़ क्यों यहां पर की गई, वो इसीलिए की गई क्योंकि ये गांव वालों के अनुसार सरकारी जमीन है और इस पर अवैध कब्जा उसने कर रखा था और तब भी जमीन ले लिया यहां पे। हाँ, एखाने सवार जमी उत्तम सर्दार शिबू हाजरा ओनाराई निये घेर करते सब जमीन, सब जमीन मछली पालन वाला भी पूरा सब। हाँ हाँ, सब पीछे सब पीछे सब कब्जा कर लिया। हाँ, सब नहीं है। आज तक की दस्तक है कि जिस शिबू हाजरा पर हाथ डालने से पुलिस पहले बचती रही उसे अब गिरफ्तार कर लिया जाता है। खाली में शिबू हाजरा अरेस्टेड हुआ है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार वो राज धर्म का पालन कर रहा है वही चल रहा है। एक अरेस्ट ये नहीं प्रूव करता वो एलिगेशन सच है, थोड़ा बहुत लैंड डिस्प्यूट नॉन पेमेंट डिस्प्यूट उधर में है, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। अभी दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा, लेकिन अभी ये दस्तक इसलिए बाकी है क्योंकि शिबू तो पकड़ा गया, शाहजहां शेख का पकड़ा जाना अभी बाकी है। एक शाहजहां अभी तक गिरफ्तार नहीं, तो ममता जी का और उनकी पुलिस का संरक्षण में है, गिरफ्तार नहीं होगा। चुनाव के लिए शाहजहां का जरूरत है, शाहजहां रहेगा तो बसीराट बारासत सीट ये लोग जीतेगा, वो लूट करेगा वोट। पिछले 4-5 इलेक्शन लूट किया, वो सीपीएम का आदमी था, सीपीएम का वोट लूट करता था। संदेश खाली का शाहजहां शेख क्या वोट दिलाता है तो महिलाओं के अपराध पर चुप्पी साध ली जाएगी। टीएमसी सरकार के मंत्री बाबुल सुप्रियो से आज तक ने दस्तक देकर सवाल पूछा। संदेश खाली के बारे में पूछना चाहती हूँ, शुरू में आप लोगों ने इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि गैंग रेप के चार्जेस ऐड किए गए हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, क्या बंगाल सरकार प्रतिबद्ध है कि संदेश खाली की औरतों को इंसाफ मिलेगा?
देखिए, दो लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, एक उसमें से शाहजहां जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अगर उन जिन दोनों लोगों के बीच के बारे में ये सारे बहुत शर्मनाक है। जो बात बाबुल कहते हैं क्या वही ममता बनर्जी सबके सामने कहेंगी, जो अपने राज्य में वर्षों से होते संदेश खाली के अपराध पर सियासत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश में जुटी नजर आती हैं। शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उसके लोग संदेश खाली में अपना लूट तंत्र कैसे चलाते रहे, इसका सच भी आज तक ही सामने लाया। जहां आरोप सामने आया कि किसानों की जमीन ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों का मैदान तक टीएमसी के नेता खा गए। এখানকার গ্রামবাসীদের থেকে কৃষকদের থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, লিজ দেওয়ার নাম করে, টাকা দেওয়ার নাম করে। ওনারা তো টাকা দেননি, প্লাস হচ্ছে পাকা ধানের উপরে জল ঢেলে দিয়েছেন, পুরো নোনা জল, যেখানে কোনো চাষবাস আর হবে না। আর দু নম্বর হচ্ছে বর্ষাকাল এলে পুরো বাড়িতেই তো জল উঠে যাচ্ছে, মানে ওখানে বাস করাটাও খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে আমাদের। আর মহিলাদের প্রতি এত নির্যাতন হচ্ছে যে আমরা সত্যি আজ দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে বলে রাস্তায় বেরোতে বাধ্য হয়েছি। आज तक ने दस्तक दी तो अब चौथा असर देखिए। जहां पहले संदेश खाली में गरीबों की वर्षों से होती जमीन कब्जे पर सब चुप रहते आए, वहां पीड़ित थाने तक न सिर्फ शिकायत देने पहुंच रहे हैं बल्कि पीड़ितों की जमीन वापस दिलाने की कार्रवाई के लिए ममता सरकार को कदम उठाना पड़ रहा है। इसे आप तक पहुंचाने के लिए संदेश खाली में ही आज तक की पूरी टीम मौजूद है। ये है संवाददाता राजेश साहा और सूर्याग्नि रॉय, जो संदेश खाली के पुलिस थाने से लेकर गांव तक कार्रवाई की दस्तक के बारे में बता रहे हैं। संदेश खाली में जहां सूर्याग्नि रॉय खड़े दिखते हैं, यहां पहले गरीब किसान धान की खेती करते आए, लेकिन यहां जमीन को शाहजहां शेख, शिबू हाजरा ने आरोप है कि एक छोटी सी रकम देकर कब्जा कर लिया, गरीबों का खेत खोद कर तालाब बनवा दिया और मछली पालन से पैसा कमाने लगे। संदेश खाली के इस टापू पे जहां पर भी आप जाओ लैंड ग्रैबिंग के बहुत सारे एलिगेशन सामने उभर कर आते हैं। जो जमीन ये वाला जिसके ऊपर हम लोग फिलहाल खड़े हैं, करीब 50 लोग मालिक है इस पूरे जमीन के, लेकिन इस जमीन को जहां पे धान उगाया जाता था, कल्टीवेशन हुआ करता था, फार्मिंग हुई करती थी, उसको शिबू हाजरा और दूसरे लोगों ने, तृणमूल के स्ट्रांगमैन ने उसको लोकल से यानी कि गांववासियों से ले लिया एक बहुत ही कम रेट में। চাষের জমি ছিল, শিবুদা ঘেরি করেছে। ঘেরি করেছে, এটা কতদিন হলো? তো চার পাঁচ বছর হচ্ছে। এটা কাট ছিল, এই জমিটা কাট, লোকের জমি, আমাদের তো জমি জায়গা নেই, লোকের সব, যারা চাষ করছে। উত্তম দা, শাহজান দা, দাদা বলেই বলছি ওনাদের, এখনো দাদা বলেই বলছি। এই যে জমিতে, আপনার জমিতে যে আপনি বলছেন যে মাছ চাষ করছে, সেটা কোনো টাকা পয়সা কোনো ক্ষতিপূরণ কিছু দিয়েছে? ক্ষতিপূরণ বলতে ন্যূনতম একটা টাকা দিয়েছিল, যেটা আমাদের প্রাপ্য হয়নি, কারণ পাকা ধানে মই দেয়া, তার ক্ষতিপূরণ কেউ দিতে পারবে? আর আমাদের লিস্ট টাকা দেয়নি বলে আমি জমা দিতে এসেছি কাগজ। মানে কমপ্লেইন করেছেন আজকে? আপনি কমপ্লেইন করেছি যে আমার লিস্ট টাকা পাইনি। টিএমসি কে দোনো নেতা কা খৌফ আব ভি ইতনা কি কোই মহিলা চেহারা সামনে দিখা কর আরোপ ভি নাহি লাগাতি, ইসকি বজহ ভি সমঝিয়ে। জমিন কো হরপ কর উস জমিন সে বালু লেকর ইয়া ফির মিট্টি লেকর আপনে পার্সোনাল কাম কে লিয়ে ইস্তেমাল করকে, जो यहाँ के स्थानीय कह रहे कि फुटबॉल ग्राउंड थी स्कूल की, उसको हड़प लिया गया। इस जमीन की ये हालत कैसे हुई, किसने की, अगर थोड़ा बताएं? ये शिबू हजरा जी ने किया है, क्योंकि जब तक ये हर साल में हम लोग का इधर फ्लोटिंग होता था, तो फ्लैटिंग होता था, इस टाइम पे नहीं देखा था। जब तक ये जब लगाया ना, ये पोल्ट्री फार्म जो दिख रहा है ना आपको, पोल्ट्री फार्म जब लगाया उसी टाइम पे, उसी साल में ये जो वहाँ भेरी है आपका, ये जो बांध दिख रहा है ना आपको, ये बांध को ऊंचा किया, उसके बाद इधर से मिट्टी लेके ये ऊंचा किया और ग्राउंड का पूरा खत्म कर दिया। तो हम लोगों का अभी बच्चा लोगों का खेलने का जायगा नहीं है इधर। अपने पोल्ट्री फार्म को बाढ़ से बचाने के लिए जो बांधनुमा स्ट्रक्चर शिबू और शाहजहां ने तैयार किया, उस पर लगी ईंट को देखिए, लिखा है SKST। स्थानीय कहते हैं कि जमीन गरीब आम लोगों की कब्जाने के बाद शाहजहां शेख के भट्टे की ही ईंट यहां लगा दी जाती है। SKST शेख शाहजहां का ईंट भाटा है उधर। तो ये कंक्रीट का था, ये पूरा कंक्रीट का है, आपको दिख रहा है, देखेगा इधर उधर कंक्रीट का जो है, मैं दिखाऊंगा आपको, इधर उधर पड़ा है। अगर ये कंक्रीट का था, सवाल ये बनता है कि आप फिर इसको इस तरीके से, इसको ईंटों से क्यों, मतलब चेंज क्यों किया?
करना था इन लोगों का, मिट्टी पे नहीं हट रहे, चल पा रहे लोग, इसलिए चलो बिठा दो ईंट बिठा दो। आज तक की लगातार दस्तक का यह असर है कि अब राजस्व विभाग के अधिकारी संदेश खाली आकर पीड़ितों की शिकायत सुनना शुरू कर रहे हैं। आज तक का ही असर है कि जो महिलाएं वर्षों से अपनी जमीन पर हुए कब्जे के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पा रही थी, अब संदेश खाली के थाने तक शिकायत दर्ज कराने पहुंच रही है। কি কোনো কমপ্লেইন দিয়েছেন, আপনার জমি কি দখল করা হয়েছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার জমিটা দখল করে দিয়েছিল। তারপর থেকে বারে বারে মানে প্রথমে এক বছরই আমাদের লিস্ট টাকা দিয়েছিল, সঙ্গে মিষ্টি দিয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনো আমাদের জমির লিস্ট টাকা দিয়েছিল। কত বিঘা জমি নেওয়া হয়েছিল? আমার 3 বিঘে প্রায় 2 কাঠা মতন জায়গা। লেকিন ইয়ে সব অভি শুরুয়াত, অত্যাচার কি কাহানিয়া সন্দেশ খালি কে কোনে কোনে মে দাওয়া হ্যায় কি দবি হুই। ইন সব কো ন্যায় তভি মিল সকতা হ্যায় জব যাঁচ স্বতন্ত্র রূপ সে হো, জব শাহজাহান শেখ পকড়া যায়, জব স্থানীয় পুলিশ কি कोई मिली भगत ना हो। इसीलिए दस्तक आगे भी जारी रहेगी।